Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi 'allamana ma lam nakun na'lam wa salatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi almuhtaramin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala uzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra'a rabbuka al-karama alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Muhtaram dostlar, aaj main is majlis mein mera taqrir ka unwan hai main अल्लाह ताला मुझे महीने से ज़्यादा अमल करने की जल्दी मनसूब अदा फरमाए। किसी शहर में खाया है, इन में ऐसी दौलत है जो कभी टूटती नहीं, इन में ऐसी दौलत है जो कभी टूटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। वो महरम दोस्तों अब किसी रोशनी मजक नहीं, शबे गाली में महताब अंधेरे अंधेरे कमरे में कम कमा मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एक बात आने का साथ ये भाई है, वो कौन सी चीज़ थी जिसने आलम सलाम को इस तरह सफर बना दिया, वो कौन सी ताकत थी जिसने असलम मखलूकात बनाया हुआ है। वो इल्म है भाइयों, आप मुसलमान हैं और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं। हम अगर हम ईमान नहीं रखते तो हम मुसलमान नहीं हो, अगर हम ईमान नहीं रखते तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान जाहिल रहेगा, मुसलमान अनपढ़ हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की असम जगह जगह बयान की गई है। महतरम दोस्तों इल्म से मुराद क्या? इल्म قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكرون اولو الالباب। इसका आयत का तर्जुमा यह है कि कह दीजिए कि अहले इल्म और ना जानने वाला बराबर हो सकता है, अकलमंद ही नसीहत पकड़ता है। महतरम दोस्तों इल्म से मुराद क्या है? दीन चाहे दुनिया आखिरत का हो या दुनिया का हो या आखिरत का, इंसान तो इज्जत पाता है, इंसान आने से कमाल पाता है। फौज और लाओ लश्कर व माल और दौलत आता है जिससे इज्जत नहीं मिलते। चाहे आप दुनिया का इल्म हासिल करते हैं तो आपको दुनिया का जरूरत रहता है, अगर आप आखिरत का इल्म हासिल करेंगे तो क़यामत के दिन आपके कदम चुमेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको जल्दी हाफिज़ ज़ुबान व आलिम दीन बनाए। वल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। माशाअल्लाह, तालिब इल्म अब्दुल करीम ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने अनवान इल्म को बखूबी निभाया और उसके चंद अहम बातों को हमारे सामने रखा। उन्होंने अपने बयान में जो बातें कही, जैसा कि कुरान की आयत उन्होंने सुनाई, कुल हल यस्तवील लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। ऐ नबी, आप कह दीजिए के जानने वाले और न जानने वाले ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ये कैसे मुमकिन है? जानने वाला एक अलग है, न जानने वाला एक अलग है, दोनों की अलग अलग खूबियाँ हैं, लेकिन जानने वाले के बराबर न जानने वाला कभी नहीं हो सकता। लोग, उन्होंने जैसा बताया, इल्म कोई भी हो, दुनिया का हो या आखिरत का हो, इंसान को इज्जत बख्शेगा, रफात बख्शेगा, बुलंदी देगा, शोहरत देगा, नाम व नमूद देगा, सारी चीज़ें देगा, है क्या नहीं? लेकिन जो आखिरत का इल्म है वो इंसान को दुनिया में भी चमकाएगा, आखिरत में भी चमकाएगा, उसकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। हम जैसा कि दुनिया के अंदर माहौल देखते हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले उलमाए कराम जहाँ उनको तकरीर करने के लिए दूसरे प्रोग्रामों में और दीगर मजालिस और जुलूस से और जलसों के अंदर उन्हें मदऊ किया जाता है, उनका क्या इकराम होता है, उनकी क्या खिदमत होती है, लोग उनकी जूतियाँ सीधे करते हैं, लोग उनके जो है खाने की खिदमत के लिए उमड़ पड़ते हैं, यानी उनकी खिदमत करते हैं। ये सब किस वजह से है? दीन इल्म की वजह से। इनका वास्ता अल्लाह से जुड़ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया, दीन इल्म से, कुरान और हदीस से इनका ताल्लुक हो गया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये इज्जत बख्शी। आप भी इरादा करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया के अंदर चमकाए। हम ये सोचते हैं, हम चाहे एक किताबुर, एक छोटा सा ताल्लुका है, छोटा सा गांव है, इस गांव के छोटे से मदरसे के अंदर हम इल्म हासिल कर रहे हैं, हम आगे जाकर क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो अल्लाह वाले कहाँ, उनका इल्म कहाँ, उनकी खिदमतें कहाँ, उनके मुकाम और दर्जात क्या, उनकी मकबूलियत क्या है। हम ये अगर ये सोचते हैं तो मेरे असातिज़ा किराम हमेशा फरमाते थे, यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो मदरसे के अंदर बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इनमें कौन जो है अल्लाह वाला है, कौन जो है मुफ्ती है, कौन आलिम है, कोई जो है दाई बनने वाला है, कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है, कोई गौस है, कोई आजम है,
कौन क्या है हम नहीं जानते, अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। आपके मुकाम को अल्लाह जानते हैं, आप मुस्तकबिल में आगे जाकर क्या बनने वाले हैं ये अल्लाह जानते हैं। हम कमजोर ना हो, ये जो बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, जो हजरत मौलाना शेख उल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाहि अलैह और मुफ्ती महमूदुल हसन रहमतुल्लाहि अलैह, ऐसे बड़े बड़ा कासिम नानतवी रहमतुल्लाहि अलैह और अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, ऐसे बड़े बड़े अल्लाह वाले उलमाए किराम कहाँ से पैदा हुए? ऐसे मदारिस से। ये मदारिस की इमारतें तो पक्की हैं, पुख्ता हैं, हमारा खाना पुख्ता है, बना हुआ है, हाँ फैन के नीचे ठंडी हवा हम खा रहे हैं, हर वक्त हमें खाने के लिए ताजा और गर्म खाना हमें मिल रहा है। लेकिन जब वो उलमाए किराम पढ़ते थे, ना खाना गर्म हुआ करता था, ना ताजा हुआ करता था, दरख्त के पत्तियों को खाकर पानी में जो है उसे गर्म करके जो है खाया करते थे, उनकी वो ग़िज़ा होती थी। उसके बावजूद वो कैसे बने? हमसे बड़े मुजाहिद मुत्तकी अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह का खौफ उनके दिलों के अंदर था, दुनिया के अंदर ऐसा काम कर गए जिनका कि हशर तक कयामत तक लोगों ने हमेशा के लिए याद रखा। अगर उनका नाम किसी को जुबान मुबारक पर आ जाए तो जो है एक खुशी महसूस करता है, एक मसरत महसूस करता है दिल के अंदर इंसान। वो खूबियां हैं, वो कहां से निकले? ऐसे मदारिस से ही निकले। आप कमजोर ना हो, आपके इरादे पस्त ना हो कि हम ये सोचे हम छोटे से इदारे के अंदर पढ़ रहे हैं, हमारा उन जैसा बनना, हम अब्दुल रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह कहां बनेंगे, अनवर शाह कश्मीरी कैसे बनेंगे, अंजर शाह कश्मीरी कैसे बनेंगे, मौलाना कासिम नानतवी कैसे बनेंगे, मुफ्ती महमूद अल हसन गंगोही कैसे बनेंगे, जो है हमारे दिल के अंदर जो ख्याल है हम शेख उल हिंद कैसे बनेंगे, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कैसे बनेंगे। हम अगर ऐसा सोचेंगे तो हमारी तरक्की नहीं, हमारे इरादे अजाएं ऊंचे हों। पूरे करने वाली जात कौन है? अल्लाह ताला की जात। हमारा काम सिर्फ इरादा करना है कि मुझे वो बनना है, मुझे आलिम बनना है, मुझे मुफ्ती बनना है। लेकिन ये दीन का इल्म सिर्फ किसके लिए हासिल करना है? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, दुनिया वालों को खुश करने के लिए, दुनिया वालों को राजी करने के लिए, दुनिया वालों की मकबूलियत हासिल करने के लिए, दुनिया में शोहरत हासिल करने के लिए, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए। मैं आप सब तलबा के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको आगे चलकर एक नेक बहुत बड़ा आलिम दीन बनाए और दुनिया के अंदर जो है चल फिर कर दीन की दावत देने वाला दाई बनाए, वक्त का अल्लाह वाला बनाए, आपके जो है इल्म को अल्लाह कबूल कर ले, आपके जहनों को कुशादा करे, आपके नेक इरादों को अल्लाह पूरा करे और मुझे और जो है हम यहाँ खिदमत करते हमारे खिदमतों को भी अल्लाह कबूल करे, मुझे और आपको हम सबको जो इल्म हमें हासिल हुआ है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर दे कि आप यहाँ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, जो बड़ी खुशी और मसरत होती है कि तलबा इतनी मेहनत करते हैं, जो भी तालिब इल्म इल्म के उनवान पर बड़ी हिम्मत के साथ माशाल्लाह उन्होंने जो बातें कही, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे और जो है इल्म हासिल करने की तौफीक दे और उन्हें उनके इरादों में कामयाब फरमाए, आमीन। इससे बाद के अगले मुकर्रर हैं अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद हुसैन साहब और उनकी तकरीर का उनवान है हज। मैं उन्हें दावत देता हूँ यहाँ आए और अपने उनवान पर गुफ्तगू फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहू व नसल्लि अला रसूलिल नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे आज तकरीर का उनवान हज है। मैं आप हजरत के सामने हज के मुताल्लिक कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने अभी अभी जो कुरान के आयत करीमा की तिलावत की है उसका तर्जुमा है, अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज करना है। उस शख्स को जो वहाँ पहुँचने की इस्तेदाद करता हो और जो इनकार करे कुफ्र करे जान लो कि अल्लाह सारे हज से बेनियाज़ है।